के द्वारा था और आप उसने बचने के लिए सबसे पहले अनुरोध की बात की है। कोई भी मां शक्ल और आमदन के एतबार से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जब आदमी हिम्मत करता है तो उससे बचना आसान हो जाता है, और हिम्मत नहीं करता है, सुस्ती का दिखावा करता है तो फिर वो गुनाह में आसानी से मुब्तला हो जाता है। गुनाह किस किस्से है मेरी याद रहना चाहिए कि गुनाहगी की हिम्मत के बाद तौबा की जरूरत है, और तौबा नाम है तीन चीज के मजमुए का। आमतौर पर जब फिक्र आखिरत की बातें हम सुनते हैं, कब्र हश्र की बातें सुनते हैं तो हमें फिक्र होता है कि तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तौबा की भी शर्त यह है कि आदमी जिस गुनाह में मुब्तला है, जिस गुनाह से हम तौबा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस गुनाह को छोड़ दें। आदमी बार मरतबा ऐसा होता है इस्तग़फ़ार को पढ़ता है, लेकिन जिस गुनाह में मुब्तला है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सही हदीस में ये मज़मून है, मन इस्तग़फ़ार वो हुआ मुशरिकुन अज़ीम तमुस्तहज़िम बि आयातिल्लाह व कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। एक आदमी गुनाहों से इस्तग़फ़ार करता है, इस्तग़फ़ारुल्लाह पढ़ता है, तौबा करता है, लेकिन जिस गुनाह में मुब्तला है उसको बराबर जारी रखे हुए हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जबान से तो इस्तग़फ़ार पढ़ता है लेकिन जिस गुनाह में मुब्तला है उस गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो ऐसा है जैसा कि अल्लाह की आयत के साथ ठट्टा करता है, इस्तेहज़ा और मज़ाक करता है। लिहाजा इस्तग़फ़ार करने के लिए, तौबा करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आदमी सबसे पहले जिस गुनाह में मुब्तला है उस गुनाह को छोड़ दे। दूसरे नंबर पर जिस गुनाह को छोड़ा है उस पर नदामत और अफसोस हो, पछतावा हो कि मुझसे बहुत बड़े रब की नाफरमानी हुई है। एक तो गुनाह को छोड़ना, दूसरा जो गुनाह हो गया है उस गुनाह पर शर्मिंदगी, अफसोस, पछतावा, नदामत, अल्लाह ताला के एहसान को याद करना और उसकी नाफरमानी को सामने लाकर ये कहना कि इतने बड़े मौसम और मैंने उसकी नाफरमानी कर दी, उसको नाराज कर लिया, उसके हुक्म को तोड़ दिया। और तीसरे नंबर पर है आइंदा कभी भी वो गुनाह न करने का मौका इरादा, क्या आइंदा कभी भी ये गुनाह नहीं करूँगा। देखो अवतार शान में इंसान को पैदा किया है तो पैदा करने के साथ उसकी तबीयत में दो ताकत रखी है, गुनाह करने की ताकत, गुनाहों से बचने की ताकत। कभी भी कोई आदमी तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, नदामत करता है तो इससे ये दो ताकत खत्म होने वाली नहीं है। कोई आदमी खूब गुनाह करे तो खूब गुनाह करने की वजह से नेकी की जो ताकत है वो खत्म हो जाए ऐसा होने वाला नहीं, और कोई आदमी खूब नेकी करे तौबा इस्तग़फ़ार करे और तौबा इस्तग़फ़ार के नतीजे में ये समझे कि गुनाह की ताकत है वो खत्म हो जाए वो भी होने वाला नहीं। लिहाजा हमेशा हमेशा ये मुकाबला बाकी रहेगा, नेकी करने की भी कुव्वत है, गुनाह करने की भी ताकत है, लिहाजा मुकाबला होता रहेगा, नफ्स हमेशा बुराई की तरफ, गुनाहों की तरफ आमादा करता रहेगा, और हमें उसका मुकाबला करके हिम्मत करके उन गुनाहों को छोड़ना है, उन गुनाहों से बचना है। जब इस तरीके से बार बार मुकाबला होता रहेगा तो एक वक्त ये आएगा कि नेकी करने की ताकत बढ़ जाएगी और गुनाह करने की हिम्मत, गुनाह करने की ताकत कमजोर हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जब आदमी मुजाहदा करके, मेहनत करके इस दर्जे पर पहुंच जाए, इस दर्जे पर पहुंचने के बाद भी मुतमईन नहीं हो सकता कि अब मुझसे गुनाह नहीं होगा, चाहे कितना ही गुनाह का मानता और गुनाह का जज्बा कमजोर हो जाए, आदमी थोड़ा गफलत में पड़ेगा जरूर वो गुनाह में मुब्तला होगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं
मौसमी बुखार आता है। मौसमी जो बुखार आता है यानी मौसम का जो बुखार होता है उस बुखार में हम इलाज करा रहे हैं। रोज होता है, कोर्स होता है, उसको पूरा किया जाता है। किसी को मलेरिया है, किसी को निमोनिया है, किसी को टाइफाइड बुखार हो रहा है, डॉक्टर से इलाज कराते हैं। डॉक्टर पूरा कोर्स बताता है कि इतने दिन का कोर्स नहीं है, इलाज करना जरूरी। कोर्स भी पूरा कर लिया, इलाज भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे भी हो गए। लेकिन इस अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आइंदा दूसरे मौसम में वो बीमारी वापस ना आए, वो बुखार वापस ना आए, ऐसा नहीं है। एक डोज पूरा हो गया, बीमारी से भी अच्छा हो गया, लेकिन आइंदा दोबारा जब वो मौसम आएगा तो उस मौसम का बुखार आना ना आना ये पहले इलाज के लिए जरूरी नहीं है। और कोई डॉक्टर इसकी गारंटी भी नहीं दे सकता कि भाई आपने डोज पूरा कर लिया है, आपका निशान पूरा हो गया है, आपने कोर्स पूरा कर लिया है, अब आपको कभी बुखार नहीं आएगा। नहीं, आइए भाई, इस मौसम में आपने डोज पूरा कर लिया है, आपको जो बुखार था वो खत्म हो गया, ठीक है, जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। हो सकता है इसी मौसम में दोबारा आए और हो सकता है कि आइंदा मौसम में दोबारा आए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहता कि बीमारी से बुखार से अच्छा होने के बाद इस मौसम में ये बुखार नहीं आएगा या आइंदा मौसम में ये बुखार नहीं आएगा। कोई हकीम, कोई डॉक्टर इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक इसी तरीके से गुनाह का मामला है। आदमी मेहनत करता रहता है, मुजाहदा मुजाहदा करता रहता है, नफ्स से मुकाबला करता रहता है, गुनाहों को छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, इस मकाम पर पहुंच जाता है कि अब गुनाहों से बचना उसके लिए आसान और नेकियों का करना उसके लिए आसान, बल्कि गुनाहों का करना मुश्किल और नेकियों का छोड़ना मुश्किल। इस वक्त भी आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, इत्मीनान से नहीं बैठ सकता, इसलिए मौसमी बीमारी की तरह, मौसमी बुखार की तरह नफ्स दोबारा हमला कर सकता है, शैतान दोबारा हमला कर सकता है और दोबारा आदमी को गुनाह में मुब्तला कर सकता है। लिहाजा इंसान के बदन में जब तक रूह और जान मौजूद है वहां तक ये मुकाबला होता रहेगा। आदमी तदबीर करता है, इलाज करता है, काबू पाए गुनाहों पर, इसके बाद भी मुतमईन नहीं बैठ सकता, बल्कि वो लगा रहेगा यहाँ तक ये काम करता है। तो मेरे भाई, हम ताला शानू ने हमारे अंदर दो गुनाह पैदा किए, गुनाह की भी और नेकी की, और इसमें बहुत बड़ी हिम्मत और बहुत बड़ी मस्तियाँ हैं। सवाल ये होता है कि अगर हमसे इबादत ही मौसूल थी तो गुनाह का वादा ही ना रखते। अगर आदमी के अंदर गुनाह की ताकत ना हो और फिर वो गुनाहों से बचे तो कोई कमाल की चीज नहीं है। कमाल तो यही है कि गुनाह करने की ताकत है, गुनाह करने का मौका है, गुनाह करने का चांस है, इसके बाद गुनाह से बचता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात भी क्या हुआ, सुलेखा ने उनको भड़काया और अपने घर में ले गए, अपने कमरे में ले गए और इसके बाद गुनाह की तरफ आमादा किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ताकतवर थे, उनका हैरान हुआ, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, वो भागे। तो देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ताकतवर थे, उनका भी ख्याल हुआ, इसके बाद बचे की कमाई। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में गुनाह का ख्याल ही नहीं होता, ताकत ही नहीं होती और बचते तो कोई कमाल की बात नहीं। जैसे मसलन अंधा है, अंधा भी है कि माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, जब से मैं अंधा हुआ हूँ कभी मैंने बदनजरी नहीं की, तो क्या कमाल किया, कभी मैंने सिनेमा नहीं देखा, कभी मैंने फास्ट पूरी फिल्म नहीं देखा, तो क्या कमाल किया। वो देखना चाहे तब भी नहीं देख सकता, कमाल तो ये है कि आँख वो देख के देख सकता है, इसके बाद ना देखे। एक आदमी बेचारा कान से बह रहा है और कहता है कि अल्लाह का फजल है, मैंने कभी झूठ नहीं सुना, कभी गिबत नहीं सुनी, इसके बावजूद वो अपने आप को गुनाह से बचाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इन दोनों ताकतों के साथ पैदा किया है और हजरत मलाइका को एक ही ताकत दी है। हजरत मलाइका को ताकत दी है नेकियों के करने की, खैर के करने की। अगर वो खैर के अलावा कोई चीज करना चाहे तो भी कर नहीं सकते। और इंसान के अंदर दोनों ताकत रखी है, खैर
आपके लिए हमें आज
سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.